प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है, इसी वजह से प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। रोहतक में हुए दलित छात्र की हत्या इसका ताज़ा उदाहरण है। ऐसे में भाजपा सरकार की संवेदनशीलता खत्म हो चुकी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक तंवर कैथल में कांग्रेस जिला अध्यक्ष विनोद मिड्डा की आकस्मिक मृत्यु पर शोक प्रकट करने पहुंचे थे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मिड्डा एक सामाजिक एवं धार्मिक व्यक्ति थे, ऐसे में कांग्रेस पार्टी उनके परिवार के साथ है। उन्होंने भाजपा सरकार पर कड़ा कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। पार्टी की घोषणाएं हो, वो पहले पुराने टाइम में कहते थे ब्याह के गीत कोई सारे साचे थे ना होते हैं, कि ब्याह के गीत जो होते हैं उसमें सच्चाई नहीं होती। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की भी जो बातें हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है, चाहे वो खिलाड़ियों के लिए घोषणा की बात हो, चाहे रोजगार की बात उन्होंने कही कि हम सरकारी रोजगार देंगे, रोजगार नहीं मिलेगा तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, या किसानों को उन्होंने कहा कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। आज कौन सी बात ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी ये कह सके जिसको कि हमने ये वायदा चुनाव में किया था और ये वायदा पूरा करके दिखाया है। पेंशन आज तक 2000 करने की बात थी, आज तक वो नहीं मिली है। बल्कि जो अधिकार यूपीए के समय में सोनिया जी, राहुल गांधी जी, सरदार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में दिए गए, आज धीरे धीरे करके उनको छीनने का काम किया, चाहे वो फसल बीमा योजना के माध्यम से हो या और नए नए कदम उठा करके हो। ये सरकार छीनने वाली सरकार है, देने वाली सरकार नहीं। कैथल से अजार टीवी न्यूज़ के लिए नवीन मल्होत्रा की रिपोर्ट।